बर्दाश्त करोगे तो हक नहीं मिलेगा, चुप रहोगे तो कोई नहीं सुनेगा, सोए रहोगे तो सब खो जाएगा। इसलिए लोकतंत्र में निभाइए अपना रोल। बैयर अनुसूचित क्षेत्र है, इस क्षेत्र से रेत रॉयल्टी से मुक्त करें। सूरज ब्रह्मे, राज्यपाल एवं मुख्यमंत्री के नाम सौंपा ज्ञापन। बैयर गोंडवाना भवन में किसान ट्रैक्टर ऑनर संघ की हुई बैठक। किसान ट्रैक्टर संघ के अध्यक्ष सूरज ब्रह्मे की अध्यक्षता में तथा सेवानिवृत्त प्राचार्य FS कमलेश की मुख्य आतिथ्य में एवं आदिवासी नेता बैराग सिंह टेकाम के विशेष आतिथ्य में बैयर बिरसा एवं परसवाड़ा तहसील किसान ट्रैक्टर ऑनर संघ के सदस्यों की उपस्थिति में बैठक का आयोजन किया गया। बैठक के पश्चात रैली के रूप में अनुविभागीय अधिकारी राजस्व बैयर के माध्यम से महामहिम राज्यपाल एवं मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश शासन के नाम ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में लिखा है कि यह तहसील आदिवासी बाहुल्य तहसील है तथा घने जंगलों से घिरा हुआ है। इन तहसीलों का अधिकांश भूभाग वन विभाग के अंतर्गत आता है। आदिवासी बाहुल्य होने के कारण इस क्षेत्र में 5वीं अनुसूची लागू है। इन तहसील के निवासी सिर्फ खेती एवं जंगल पर ही निर्भर रहकर अपना और अपने बच्चों का पालन पोषण करते हैं। इस क्षेत्र में रोजगार के और कोई साधन न होने से हम बेरोजगार युवाओं ने ट्रैक्टर बैंक से फाइनेंस करवाकर अपनी रोजी रोटी चलाते हैं। हमारे ट्रैक्टर के पीछे 10 मजदूरों का परिवार भी अपनी जीविका चलाते हैं। इस तरह इन तीनों तहसील में लगभग 10 से 15 हजार परिवार का भरण पोषण ट्रैक्टर के भरोसे होता है, किंतु कुछ दिनों से रेत गिट्टी मुरुम मिट्टी आदि ढोने से अधिकारियों द्वारा पकड़ लिया जाता है और हजारों रुपया जुर्माना लगाकर छोड़ा जाता है। इस कारण हमारे ट्रैक्टर कई दिनों से खड़े हैं, जिससे हजारों परिवारों के सामने भूखे मरने की स्थिति है। महोदय जी, हमारा क्षेत्र आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है, जहां अधिकांश लोग गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करते हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत बहुत से गरीब परिवारों को आवास योजना की राशि स्वीकृत की गई है, किंतु ट्रैक्टर खड़े होने के कारण रेत नहीं मिलने से मकान के काम रुके पड़े हैं। जितनी राशि स्वीकृत की जाती है उतनी राशि में डंपर से रेत बुलाना संभव नहीं है, क्योंकि रॉयल्टी जोड़कर एक डंपर से 26,000 रुपया में पड़ता है, जबकि एक ट्रैक्टर रेत मात्र 2,000 रुपये में आता है, जो इस क्षेत्र के गरीबों के बजट में आता है। मांगे ट्रैक्टर मालिकों के लिए मिट्टी मुरुम खदान की व्यवस्था कराई जाए, साथ ही इस क्षेत्र को रेत परिवहन पर रॉयल्टी मुक्त किया जाए। 5वीं अनुसूचित क्षेत्र को ध्यान में रखते हुए इस क्षेत्र को रेत की रॉयल्टी मुक्त किया जाए, जिससे क्षेत्र के गरीब आदिवासी भाई प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत मकान बनवा सके। कुछ विभाग के छोटे कर्मचारी द्वारा जो ट्रैक्टर पकड़कर ट्रैक्टर मालिकों से धमका कर रुपया लिया जाता है, उसमें प्रतिबंध लगाया जाए और उन कर्मचारियों पर कार्रवाई किया जाए। MPCG 24 न्यूज़ एक्सप्रेस के लिए बिरसा से दीपक सरनागत की रिपोर्ट।